हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, कालू भैया वापस से आ चुके हैं बाहर, और बाहर आने के बाद आए दिन वो इंस्टाग्राम पे लाइव भी नज़र आ रहे हैं। थोड़े दिन पहले सरोज भाभी ने इस बात का वीडियो बनाया था कि उनको समझा लो, उनको बचा लो, वो जिनकी संगत में है वो लोग अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उन लोगों के साथ कालू भैया का पहले भी झगड़ा हुआ है। तो अपने एंड पे सरोज भाभी ने अपनी वीडियो के माध्यम से ये मैसेज कन्वे कर दिया था कि वो गलत संगत में है, क्योंकि उन्होंने भी उनकी कुछ रील देखी थी। जब मैंने देखा तो इंस्टाग्राम पे कालू भैया लाइव थे और लाइव पे चैट कर रहे थे, और इस चीज़ में कोई भी शक नहीं है कि वो नशे में भी थे। लाइव में वो बहुत देर तक एक्टिव थे, बहुत सारे लोगों को इनफैक्ट अपने साथ ज्वाइन भी करवा रहे थे, उनसे बातचीत भी कर रहे थे। तो ये दो तीन दिन से वो लगातार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में कर रहे हैं। जब उन्होंने पहले दिन लाइव करी थी तो लोगों ने अरमान से रिलेटेड भी उनसे सवाल किया, बट उन्होंने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। और जब ये भी लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि आप सरोज भाभी के साथ वापस से अपनी लाइफ रीस्टार्ट करो, चीज़ें ठीक करो, उनको लेके आओ, तो वहाँ पर कालू भैया बोल रहे थे कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, तो मैं क्यों जाऊं या मैं क्यों लेके आऊं, ये मैं आपको एक दिन पुरानी लाइव बता रही हूं। उसके बाद वापस से वो कल फिर से लाइव आए थे, और लाइव आने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइव आए थे, उन्हीं दोस्तों के साथ जिनके साथ देख के सरोज भाभी को टेंशन हो गई थी बेसिकली कालू भैया के कि वो गलत संगत में है। लेकिन इस बार उन्होंने अरमान फैमिली के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बोली, और उन्होंने साथ ही साथ एक नया चैनल भी खोला। वैसे तो कालू भैया का एक चैनल है भी जिसमें 1 लाख से ऊपर के सब्सक्राइबर भी हैं, लेकिन वो चैनल तभी बेसिकली एक्टिव होता है जब कालू भैया चंडीगढ़ होते हैं, तभी आई थिंक उनको उस चैनल का एक्सेस दिया जाता है, या फिर उनको व्लॉग जो वो बनाते हैं उन व्लॉग को अपलोड किया जाता है। लेकिन इनके हाथ में उस चैनल का एक्सेस नहीं है। अब हाथ में चैनल का एक्सेस ना देने के पीछे भी आप जान सकते हो कि रीज़न क्या है, कि जिस इंसान को अपने को ही संभालने का होश नहीं होता वो सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसा ऊटपटांग कर दे या बोल दे या वो कर दे जिससे कि फैमिली की रेपुटेशन और बहुत सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो पुराना वाला चैनल तो कुलदीप भैया के पास नहीं है, तो उन्होंने एक नया चैनल क्रिएट किया, अपने पुराने वाले चैनल से मिलता जुलता नाम कुलदीप मलिक करके उन्होंने एक नया चैनल क्रिएट किया, जिसका लिंक उन्होंने इंस्टाग्राम पे पेस्ट भी किया, और तो और उन्होंने उस पर एक वीडियो भी अपलोड करी जिस वीडियो में वो सरोज भाभी को ये बोल रहे थे कि तुम घर वापस आ जाओ, मैं वापस से तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ, मैं वापस से सब कुछ करना चाहता हूँ, मैं बहुत मेहनत करूँगा बच्चों के लिए, ये सब बातें वो वहाँ पर बोल रहे थे। और वहीं पर वो अरमान मलिक और उनकी फैमिली की बुराई भी कर रहे थे। हालांकि उन्होंने पायल और कृतिका के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला, उन्होंने वही बोला कि पायल और कृतिका मेरा पूरा ध्यान रखती हैं, मुझे पूरी इज्जत देती हैं, लेकिन जो घर के बाकी लोग हैं वो मुझे कुछ भी नहीं समझते और मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं, मुझे एक जेल की तरह बंद कर देते हैं, और मुझे बेमतलब में रिहैब भेजा गया, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था उसके बाद भी मुझे रिहैब भेज दिया गया। आप जानते हैं कि जिस वक्त पे बिग बॉस के लिए अरमान की फैमिली जा रही थी उस वक्त के लिए इनको वापस से वहाँ पे भेज दिया गया था। अब इनको अगर भेजने का रीज़न, तो प्रैक्टिकली ये एक सही डिसीज़न था, क्योंकि उस वक्त पे तीनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं था, और जो एडिक्टेड बंदा होता है वो कब क्या हरकतें कर दे किसी को पता नहीं होता, तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ करके जाता है, क्योंकि अपनी ज़िम्मेदारी पे ही अरमान ने उनको बाहर निकाला था, अपनी ज़िम्मेदारी पे ही उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। तो अगर उनके पीछे से ही वहाँ से भाग जाते या कुछ भी ऊटपटांग कर देते, मान लो सरोज भाभी को ही परेशान करने लग जाते, उनको ही कुछ बोल देते, तो वहाँ से वो भी उनको ब्लेम करती और उनके ऊपर सारा ब्लेम आता। तो अपनी सिक्योरिटी के लिए और सबकी सिक्योरिटी के लिए वो उनको वापस से हैब में डाल के गए थे। इस बीच कालू भैया ने यह भी बताया कि मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए वहां पे आया था, मुझे लेने के लिए आया था, लेकिन जो वहां के बॉडीगार्ड्स थे, जो गार्ड्स थे, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी करी और मार के मेरे दोस्त को वापस भेज दिया। मेरे दोस्त के भी हाथ उठ सकते थे, वो भी मार सकता था, जहां पे उनके दोस्त ने भी बोली ये बात कि मैं भी मार सकता था, लेकिन लिहाज में कि अरमान इनका भाई है इसीलिए वो कुछ नहीं बोले और उन्होंने सब चीजें जो है वहां पे चुपचाप सह ली। साथ में कालू भैया ये भी बोल रहे थे कि जिनको तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये मेरे से लड़ाई करते हैं, ये मेरे जिगरी यार हैं, इन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया है, इन्होंने ही मुझे सहारा दिया है। तो वेल, उनका सपोर्ट तो दिख रहा है कि सपोर्ट हम तब मानते कि जब वो उनको किसी चीज़ की लत है उसे छुड़ाने में सपोर्ट करते, उसके साथ बैठ के उस चीज़ को इंजॉय करने में सपोर्ट नहीं करते। पूरा वीडियो एक नशे की हालत में था, साथ ही साथ वो इस चीज़ के लिए भी अरमान को कोस रहे थे कि अरमान की वजह से मेरी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बेइज्जती बदनामी हो गई, सोशल मीडिया पर मुझे बदनाम कर दिया,
लिया, ये भी नहीं सोचा कि मेरी बेटी है उस पर क्या असर पड़ेगा या क्या वो होगा। अब इसमें अगर बात करें कि अगर बेटी की और अपने बच्चों की इतनी चिंता होती तो शायद ये कभी ये चीज़ें करते ही नहीं है, है ना। लेकिन वो अलग बात होती है कि आप नशे में कुछ भी बोल दो, किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दो, लेकिन अरमान चाहे कितना भी बुरा हो, चाहे उसने लोगों के साथ कितना भी गलत और बुरा किया हो, लेकिन अपने भाई के लिए उन्होंने अपनी लॉयल्टी हमेशा दिखाई है। जिस वक्त इनका भाई सड़क पे घूम रहा था, बता रहे थे कि रेल की पटरियों में तक ये चल गए थे, उस वक्त पे रातों रात इन्होंने भेज के उनको वहाँ से उठाया और तब जाके रिहैब में डाला था। बहुत बार इनको मौत के मुंह से बचा के लाया है अरमान, और उसके बाद उनकी मजबूरी बन जाती है इनको रिहैब में डालना। और उस वक्त तो ज़्यादा मजबूरी थी, क्योंकि उस वक्त तीनों के तीनों एक शो में जा रहे थे, ये पीछे से कुछ भी कर सकते थे। इनको ये बुरा लग रहा है कि मेरी फैमिली की, मेरे बच्चों की क्या इज्जत होगी, तो वो इज्जत तब कहाँ होती जब ऑफ कैमरा घर में ये इतने उत्पात और इतने लड़ाई झगड़े करते हैं। अगर कि यही ठीक होते तो आज इनका परिवार जो है वो अलग नहीं होता, आज सरोज भाभी को अलग नहीं रहना पड़ता, आज वो इनके साथ हंसी खुशी रह रही होती, आज वो इतनी फ्रस्ट्रेट नहीं होती। बोलते हैं ना कि दुनिया में कोई कितना भी बुरा हो, अगर अपना पति सही है तो फिर हमें किसी से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा होता है तो फिर हम बाहर वालों को कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहते हैं। सरोज भाभी कहाँ हैं, कहाँ रह रही है, इस बारे में कालू भैया को कुछ भी नहीं पता। उन्होंने ये भी बोला कि मुझे इस बारे में पता ही नहीं है कि वो कहाँ रह रही है। हाँ, ये ज़रूर पता है कि वो अपने मायके में है, मायके वालों के सुपरविजन में है, उनके आसपास है, लेकिन कहाँ रह रही है मुझे वो सब नहीं पता और मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो इस समय जब उन्होंने ये वीडियो डाली, एक नहीं उन्होंने दो दो व्लॉग डाले थे अपने चैनल पे, और उसके बाद उनका अब अगर आप देखने जाओगे तो वो चैनल वहाँ से डिलीट हो गया है, डिलीट हो गया है या डिलीट करवा दिया है, क्योंकि वो नशे की हालत में बहुत ऊट पटांग चीज़ें बोल रहे थे जो शायद किसी के लिए भी सही नहीं होती। तो बेसिकली ये तो पता चल गया कि इन्हें जब बाहर निकाला गया रिहैब से और इनको जाना नहीं था, इनको चंडीगढ़ में जेल फील होती है, क्योंकि जब उन्हें ये फील होता है ना कि ये नशे वशे करने लगे हैं तो वो इनको एक कमरे में बंद कर देते हैं ताकि ये चीज़ें ना करें। लेकिन नशे करने वाला इंसान अपने लिए नशा अरेंज कर ही लेता है, कहीं ना कहीं से कर ही लेता है। कई बार कृतिका और पायल जब नीचे फ्लैट में आती थी तो पूरे फ्लैट की छानबीन भी करती थी कि कुछ रखा हुआ तो नहीं है, कुछ छुपा के तो नहीं रखा है। तो इनके लिए तो परिवार में हर कोई बहुत परेशान है और इनको ठीक करने की हर कोई कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पर ना तो अरमान की गलती है ना ही वहाँ पर सरोज की गलती है, क्योंकि वो इनकी मार भी नहीं खा सकती ना। नशे वाले इंसान का कोई भरोसा थोड़ी है कि वो नशे की हालत में पीट दे, मार दे, कहीं उल्टी सीधी जगह लग जाए, इंसान की जान मान को खतरा रहता है ऐसे इंसान के साथ। और अब जिनको ये यार दोस्त बता रहे हैं, जिगरी यार बता रहे हैं कि ये तो मेरे सुख दुख के साथी हैं, वही यार इनके साथ बैठ के वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, बैठे हुए हैं, जमावड़ा मचा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त अरमान भी ने भी इनको छोड़ दिया है, और सरोज भाभी तो खैर इनसे डर के मारे इनके पास नहीं आ पा रही होंगी, उनकी भी मजबूरी है या इनसे कुछ बोल नहीं पा रही होंगी। लेकिन इन्होंने इंस्टाग्राम पे दो तीन दिन तो लगातार ये लाइव आए हैं, जिस लाइव में ये धुत थे, और उसके बाद इन्होंने व्लॉगिंग चैनल नशे नशे में बना लिया, दो तीन वीडियोस भी डाली जिस वीडियो में इनके व्यूज़ भी चले गए थे, लिंक इन्होंने शेयर करा था अपने इंस्टाग्राम में, उसके बाद वो चैनल इनका डिलीट कर दिया है। तो ये सारी हरकतें कर रहे हैं कालू भैया। आप सोचिए ना कि अभी भी इन्होंने टेंशन ही दी हुई है, इसीलिए शायद मैंने कहीं पे किसी की वीडियो में सुना था कि अरमान ऑलरेडी अपने घर की इन प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, और जब बाहर जो ट्रॉलिंग हो रही है उससे भी परेशान है। इस वक्त वो दोनों ही जगह से परेशान है कि वो क्या करें, क्योंकि इन भाई को वो अपने बाप का दर्जा देते हैं, और इसी भाई को बचाने के लिए सरोज भाभी से भी वो बुरे बन गए, क्योंकि सरोज भाभी उस वक्त इस उसमें नहीं थी कि इनको रिहैब से बाहर निकालें, और उनके विपरीत जाके उन्होंने इनको रिहैब से बाहर निकाला कि चलो इनको बाहर निकालेंगे, और ये वहाँ से भाग गए और भाग के सीधा हांसी पहुँचे। अब वहाँ पे पहुँच के इन्होंने लड़ाई झगड़ा करा, जिसकी वजह से सारा का सारा ब्लेम वहाँ पे अरमान पे आ गया। उसके बाद से अरमान ने जब अपने हाथ में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो अपने हिसाब से वो रखते थे और अपने हिसाब से वो इन्हें वापस डालते थे, लेकिन अब लगता है कि इन्होंने वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ कर दी हैं, जिसकी वजह से अरमान ने इनको भी छोड़ दिया है कि भैया जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। तो कहते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए, तो वो सीधा अपने हांसी वाले घर पे आए, उसी घर पे आए, और उसी घर पे उन्होंने अब बना रखा है पूरा का पूरा अड्डा, और वहीं से रोज़ रील्स एंड वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ में आता, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो लोग इन चीज़ों से सफ़र करते हैं ना, उनकी फैमिली के लिए बहुत बुरा लगता है कि वो ऐसे कश्मकश में होते हैं कि अपने बंदे को ना तो मरता हुआ देख सकते हैं, ना ही जीता हुआ समझ में आता है कि कैसे देखे।
या तो इंसान समझ जाए, जब वो बात करते हैं तो इतना मैच्योर बात करते हैं ऐसा नहीं लगता, लेकिन उनको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि आप जिस लत में घिर चुके हो, ये लत आपको और आपके परिवार को पूरा बर्बाद कर रही है, बर्बाद कर रही है। आप मेहनती इंसान हो, आप व्लॉगिंग करना जानते हो, आपके अंदर इतना टैलेंट है, लेकिन उसके बाद भी ये जो लत है ना, इन्होंने आपका पूरा घर बर्बाद कर दिया है। और अभी भी वक्त है कि इस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ो, माफ़ी मांगो, अपना परिवार को वापस लेके आओ, एक ज़िम्मेदार बाप बनो। अरमान को ब्लेम करा कि उसकी वजह से मैं बदनाम हो गया, लेकिन आपकी वजह से तो आप समाज में बदनाम हो रहे हो। आप घर पे जो चीज़ें कर रहे हो तब आपको अपनी बेटी का ख्याल नहीं आता, जब आप घर के अंदर ये लड़ाई झगड़े करते हो। ये जो सोशल मीडिया है ये समाज है, लेकिन एक वर्चुअल समाज है जो आपको ना जानती हैं ना आपके आसपास रहती हैं, लेकिन जो लोग आपके घर के आसपास रहते हैं आप तो उस आज के आगे भी अपनी बेइज्जती करा चुके हो सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से। तो हरकतें अगर इनकी ख़राब है तो उसमें फैमिली का किसी का भी कोई भी दोष नहीं है। कोई भी औरत अपना घर तोड़ना नहीं चाहती, हर औरत एड़ी चोटी का जोर लगा देती है अपने घर को बसाने के लिए, लेकिन ऐसे आदमी के साथ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जो कभी कुछ और कभी कुछ करने लग जाता है। तो उनको सिर्फ डर है अपनी जान का, अपने बच्चों की जान का, इसी खतरे के मारे वो उनके साथ आने का स्टेप नहीं उठा पा रही हैं। तो आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्या कहना है प्लीज़ ये बात ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से वो अपनी गृहस्थी की दोबारा से शुरुआत करें और किस तरीके से कालू भैया को ट्रैक पर लाया जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनको लेकर तो सब लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। कितने दिन तक इनको रिहैब में डाला जाए, मतलब पूरी ज़िंदगी तो आप किसी को रिहैब में नहीं डाल सकते ना। उनको जब भी इन पर दया आती है इनको वापस लाने की कोशिश करते हैं, ये फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि इनको वापस से भेजना पड़ता है। और अभी जो ये कर रहे हैं वो आप सबके सामने हैं, लाइव आ रहे हैं, नशे में धुत हो रहे हैं, यारों दोस्तों के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, उसके बाद भी अरमान मलिक इनकी इंस्टाग्राम की रील को लाइक कर रहे हैं, इनकी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं। तो आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।